हाय गाइस, मेरी क्रिसमस टू ऑल इन एडवांस। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे क्रिसमस स्पेशल कैरेट केक, और इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स का यूज़ भी करूँगा। तो यहाँ मेरे पास एक बॉल है, इसमें मैंने 75 ग्राम बटर डाला है। सो गाइस, यहाँ पे अच्छे से मेल्ट हो चुका है हमारा बटर। अब बारी है इसमें 200 ml कंडेंस मिल्क डालने की। मिल्कमेड का कंडेंस मिल्क मैं इसमें डाल रहा हूँ, 200 ml, और इसे भी मैं बटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगा। अब इसमें मैं 100 ml ऐड करूंगा ल्यूक वार्म दूध। बहुत ज़्यादा ठंडा या गर्म भी नहीं चाहिए, सिंपल ल्यूक वार्म, गुनगुना दूध जिसे हम कहते हैं। और इसमें अब जाएगा 10 बूंद के करीब वनीला एसेंस। सो गाइस, अब बारी है हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स की, और यहाँ पे मैं रख रहा हूँ एक सीव यानी छलनी, और इसमें क्या, एक कटोरी मैदा। मैदा के बाद जाएगा इसमें आधी चम्मच दालचीनी पाउडर यानी सिनेमन पाउडर, आधी चम्मच से भी कम नटमैग यानी जायफल पाउडर, आधी चम्मच बेकिंग सोडा मैं ऐड कर रहा हूँ, और एक बड़ी चम्मच बेकिंग पाउडर की। अब हम इसे अच्छे से सीव करके डाल लेंगे। तो ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से कंबाइन हो चुके हैं, अब इसे हम मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो कट फोल्ड मेथड जो होता है उसका यूज़ भी कर सकते हैं। सो गाइस, अब बारी है इसमें 2 स्मॉल साइज़ की कैरेट डालने की। यहाँ मैं स्मॉल साइज़ यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो मीडियम साइज़ कैरेट भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऑरेंज कैरेट जो होती है, मद्रास कैरेट, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अब बारी है कैरेट के बाद इसमें डालने की कुछ ड्राई फ्रूट्स। यहाँ मैं टूटी फ्रूटीज, रेजन्स, कैशोनट, बादाम, इनका यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो कैंडिड फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स कुछ भी डाल सकते हैं, बेरीज, ब्लूबेरीज, क्रैनबेरीज, कुछ भी। और ये गए कुछ इसमें चोको चिप्स, ऑप्शनल है, अगर आप चॉकलेट नहीं पसंद होती आपको तो आप स्किप भी कर सकते हैं, नो इशू। इसे भी एक अच्छा सा मिक्स देंगे हम। टूटी फ्रूटीज डालने का पर्पस इसमें यही है क्योंकि बहुत अच्छे से वाइब्रेंट कलर्स होते हैं, और इसके बिना केक भी थोड़ा इनकम्प्लीट लगता है, तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। आप चाहे तो स्किप करना चाहे तो कर दीजिए, नो इशू। और यहाँ मैं बेकिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ फ्रायर, जिसका टेम्परेचर मैंने रखा है 140। 5 मिनट के लिए हम इसे प्री हीट करेंगे। सो फ्रायर हमारा प्री हीट हो चुका है, अब इसका मैंने टिन मोल्ड निकाला है, और इसको मैं थोड़ा सा ग्रीस कर रहा हूँ बटर से। आप चाहे तो ऑयल या फिर मैदे का यूज़ भी कर सकते हैं, चाहे तो फिर बटर पेपर भी यूज कर सकते हैं। और अब इसमें हम हमारे केक का बैटर जो है वो आराम से पोर कर देंगे। इसे थोड़ा सा हमें टैप भी करना है ताकि एयर बबल्स बिल्कुल ना रहे। और अब हम इसे बेक होने के लिए हमारे फ्रायर में रख देंगे 30 मिनट के लिए, और 140 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रहेगा। तो गाइस, इट्स बीन अ हाफ एन आवर, अब देखते हैं एक बारी कि केक हमारा कैसा निकला है। तो अभी तक कलर वगैरह तो बिल्कुल अच्छा है, बाकी देखते हैं अंदर से कैसे निकलता है। उससे पहले एक काम और, एक नीटिंग नीडल यानी सुई या फिर एक वुडन स्क्यूअर की मदद से हम इसको थोड़ा अंदर पेयर करके देखेंगे और देखेंगे कि ये प्रॉपर निकल रहा है कि नहीं। सो गाइस, केक हमारा एकदम परफेक्टली बेक हुआ है। अब इसमें मैं थोड़ी सी पाउडर शुगर की ड्रेसिंग करूंगा।